हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज शब्बर आलम एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल। राइट, तो कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो आज भी मैं लाया हूं आपके लिए काफी कमाल से और फ्रेश से एक न्यू वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं टॉप 5 फोन्स जिनको आप ले सकते हैं अगर आपका बजट है 15,000 to 20,000। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो को। तो फ्रेंड्स, जो फोन हमारी लिस्ट में 5th पोजीशन पे आता है वह है पोको की तरफ से पोको का X2। ये काफ़ी एक अच्छा डिवाइस है और माना थोड़ा सा पुराना हो गया है, बट अब भी ये काफ़ी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए अगर आपका बजट है 15,000 to 20,000। मैं आपको इसकी स्पेसिफिकेशंस बता देता हूँ। इसमें एक 6.67 इंच की फुल HD प्लस की डिस्प्ले, जो कि काफ़ी बड़ी सी डिस्प्ले है, और ये एक IPS LCD डिस्प्ले है, बट इसमें है 120 हर्ट्ज़ के फास्ट रिफ्रेश रेट का सपोर्ट। इस फ़ोन में लगा है स्नैपड्रैगन का 730G का प्रोसेसर, जो कि काफ़ी अच्छा प्रोसेसर माना जाता है इस प्राइस रेंज में, और काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस दे देगा आपको ये प्रोसेसर। और इसमें है 64+8+2+2 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरा, और जो मेन कैमरा है वो सोनी का सेंसर है, जिसका मतलब है कि आपको काफ़ी अच्छी पिक्स भी मिल जाएगी इस फ़ोन से। प्लस इसमें डुअल सेल्फी कैमरा है, जो है 20+2 मेगापिक्सल की कॉन्फ़िगरेशंस के साथ। और इस फ़ोन में है 4500 mAh की बैटरी विद 27W के फास्ट चार्जिंग। तो अगर आप इंटरेस्टेड इस फ़ोन में, तो आप मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप एक बार जाके ज़रूर देखेगा। ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है पोको की तरफ से। फ्रेंड्स, जो फोन हमारी लिस्ट में 4th पोजीशन पे आता है वह रेडमी की तरफ से, रेडमी का रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स। ये काफ़ी एक अच्छा फ़ोन है रेडमी की तरफ से। मैं आपको इसकी स्पेसिफिकेशंस बता देता हूँ। इसमें है 6.67 इंच की फुल HD प्लस की डिस्प्ले, जो कि एक IPS LCD डिस्प्ले है, जो कि एक थोड़ा नेगेटिव पॉइंट है, और इसमें कोई रिफ्रेश रेट का भी नहीं है सपोर्ट। इसमें लगा है स्नैपड्रैगन का 720G का प्रोसेसर, जो कि एक डिसेंट प्रोसेसर है, और जो हमारे इंडिया का नेविक सिस्टम है उसको भी करता है सपोर्ट। प्लस इसमें भी है क्वाड रियर कैमरा 64+8+5+2 का, और इसमें सिंगल सेल्फी कैमरा 32 मेगापिक्सल का। इसमें 5020 mAh की बिग बैटरी प्लस 33W की फास्ट चार्जिंग। इसमें भी है पीछे एक ग्लास बैक, और मतलब काफ़ी अच्छा दिखता है फ़ोन। इसमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर भी, और जिसकी प्राइसिंग है वो है 15,999 rupees। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप एक बार जाकर जरूर देखिएगा इसको। फ्रेंड्स, जो फ़ोन हमारी लिस्ट में 3rd पोजीशन पे है वो है पोको की तरफ से। पोको का अभी हाल ही में लॉन्च हुआ एक न्यू डिवाइस पोको X3। ये काफ़ी एक कह सकते हैं कि ओवरऑल पैकेज है और एक अच्छा डिवाइस निकल के आया है पोको की तरफ से। मैं आपको इसकी स्पेसिफिकेशंस बता देता हूं। इसमें है 6.67 इंच की फुल HD प्लस की डिस्प्ले, जो कि एक IPS LCD डिस्प्ले है, बट इसमें 120 हर्ट्ज की फास्ट रिफ्रेश रेट का भी है सपोर्ट। और इसमें लगा है स्नैपड्रैगन का 732G का प्रोसेसर, जो कि एक काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है इस प्राइस रेंज में, और आपको अच्छी खासी परफॉर्मेंस दे देगा ये फ़ोन। प्लस इसमें है 64+13+2+2 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरा, और एज़ पोको X2 इसमें भी जो मेन कैमरा है वो सोनी का है, और बट इसमें सिंगल सेल्फी कैमरा है जो पंच होल स्टाइल में है, और जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन है वह 20 मेगापिक्सल। प्लस इसमें है 5160 mAh की बैटरी विथ 33W की फास्ट चार्जिंग, और जिसकी प्राइसिंग है वो है 16,999 rupees। तो अगर आप इस फोन में इंटरेस्टेड हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप एक बार जाके जरूर देखेगा इस फोन। जो फोन हमारे लिस्ट में 2nd पोजीशन पर आता है वो है सैमसंग की तरफ से, सैमसंग का सैमसंग M31S। बहुत से हमारे इंडिया में यूज़र्स हैं जिनको सैमसंग के फ़ोन काफ़ी ज़्यादा आते हैं पसंद, या जो चाहते हैं कि नॉन चाइनीज़ ब्रांड का फ़ोन ख़रीदना, तो ये फ़ोन आप देख सकते हैं। ये भी काफ़ी एक अच्छा ओवरऑल पैकेज है। मैं आपको इसकी स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ। इस फ़ोन में है 6.5 इंच की फुल HD प्लस की सुपर एमोलेड डिस्प्ले, जो कि मतलब सैमसंग की तो दी बेस्ट डिस्प्ले होती है। प्लस इसमें है एक्जीनोस का 9611 का प्रोसेसर, जो कि थोड़ा छोटा प्रोसेसर है, बट हाँ, आपको डे टू डे वर्किंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्लस आपको एवरेज परफॉर्मेंस भी मिल जाएगी इस प्रोसेसर से, और बट जो हमारा सैमसंग है उसकी जो UI है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, तो उसकी वजह से ज़्यादा लैग महसूस होगा नहीं आपको। प्लस इसमें है क्वाड रियर कैमरा 64+12+5+5 का, और 32 मेगापिक्सल का इसमें पंच होल स्टाइल में सेल्फी कैमरा, और इसमें 6000 mAh की है बिग बैटरी, और जो इसकी प्राइसिंग है वो है 18,499 rupees, जो कि एक डिसेंट प्राइसिंग है इस फ़ोन की। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो एक बार जाके ज़रूर देखेगा इस फ़ोन को। तो फ्रेंड्स, जो फोन हमारी लिस्ट में 1st पोजीशन पे आता है वो है रियलमी की तरफ से, रियलमी का रियलमी 7 प्रो। और मतलब इसके फर्स्ट आने का तो काफ़ी सारे रीज़न है, बट जो मेन रीज़न है वो इसकी फास्ट चार्जिंग, प्लस
ये एक काफी मतलब ओवरऑल बेस्ट पैकेज निकल के आता है रियलमी की तरफ से। मैं आपको इसकी स्पेसिफिकेशंस बता देता हूँ। इसमें है 6.4 इंच की फुल एचडी प्लस की डिस्प्ले जो कि एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, और इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, ये हमारी लिस्ट का फर्स्ट फोन है जिसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है विद सुपर एमोलेड डिस्प्ले। और इसमें लगा है स्नैपड्रैगन का 720G का प्रोसेसर जो कि मतलब एक एवरेज प्रोसेसर माना जाता है इस प्राइस रेंज में। अगर 720 के जगह 730 होता तो काफ़ी अच्छा होता, बट 720 भी मतलब काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे देगा आपको। और ये भी सपोर्ट करता है हमारे इंडियन के नेविगेशन सिस्टम को, नेविक को। प्लस इसमें है 64+8+2+2 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरा और 32 मेगापिक्सल की इसमें सेल्फी कैमरा। और इसमें 4500 mAh की बैटरी, प्लस जो मेन हाईलाइट है वो इसकी 65 वॉट की फास्ट चार्जिंग, मतलब आपके फ़ोन को अराउंड 20-22 मिनट्स में कर देगा फ़ोन फुल चार्ज। और 10 मिनट्स की चार्जिंग में आपको हाफ चार्जिंग मिल जाएगी इस फ़ोन में, तो जो कि इसे काफ़ी मतलब अच्छा बनाता है फ़ोन, काफ़ी मतलब यूज़फुल फीचर है इस फ़ोन का। और जो इसकी प्राइसिंग है वो है 19,999 rupees, बट अभी जैसे फ्लिपकार्ट के और अमेज़ॉन के सेल चल रहा है तो उसमें आपको सब फोन्स पे ही मिल सकते हैं काफ़ी अच्छे अच्छे डिस्काउंट्स। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो किसी भी फ़ोन में तो एक बार जाके ज़रूर देखा फ़ोन्स को। वैसे मैंने सारे फ़ोन्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, तो आप लिंक में भी चेक कर सकते हैं। कैसी लगी आज की हमारी वीडियो? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर, एंड हाँ अगर आपने अभी तक मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा है तो मेक श्योर कि आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें। मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपको शो हो ही रही होगी, एंड बाकी जिस भी मैं सोशल मीडिया साइट्स पे हूँ सबके लिंक मैंने डाल दिए डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार वहाँ पे भी जाके ज़रूर देखिएगा। एंड ऐसी और भी इंफॉर्मेटिव और टेक से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, और नोटिफिकेशन को कर दीजिएगा ऑल पर। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।